Assalamualaikum class 6, hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about the verb in detail and different kinds of verbs based on function. Now today we will discuss kinds of verbs based on structure. The following are the verb kinds that are based on structure. Mean kya structure ki base pe jo verbs ki kind hai unko hum discuss karenge. First is regular verbs. These are verbs whose simple past and past participle forms consistently have the same ending d or ed. The majority of English verbs are regular. Regular mean के कुछ verbs वो verb है ज़्यादातर हमारे पास English language में जिनकी जो ending है वो d और ed से हो रही है. मीन के जो उनकी first form है उसके साथ हमने second और third form बनानी है past participle, past और past participle, तो उसके end पे हम d और ed use कर रहे हैं. Irregular verbs, these are verbs whose simple past and past participle forms cannot be predicated या predicted from their base form, के उनकी जो past और past participle form है वो उनके base form से predict नहीं हुई. In most cases, the irregular verbs have different ending in their simple past and past participle forms. ज़्यादातर cases में उन जो है simple past और past participle जो ending form है उनकी मतलब के जो चेंजेबल है उनकी फॉर्म अपनी बेस फॉर्म से उनकी फॉर्म्स नेक्स्ट आगे चेंज है. कमन पेज नंबर 51. एक्सरसाइज सी गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स. एक्सटेंड द लिस्ट बाय एडिंग अदर इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स टू इट. यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जिनकी जो सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बेस फॉर्म से चेंज है. नंबर वन है जी एराइज, एरोज, एराइजन, बियर, बोर, बॉर्न, कट, 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 बाय, बॉच, बॉच, बिकम, बिकेम, बिकम, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. नेक्स्ट आगे देखें, इसमें लिस्ट में आप इजाफा भी कर सकते हैं. बेशुमार ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास आते हैं जो यहाँ पे ऐड नहीं है. फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, इसी तरह के बहुत से वर्ब्स हैं जिनकी बेस फॉर्म उनकी जिनकी बेस फॉर्म से उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चेंज होती है. नेक्स्ट दूसरा वाला जो आज का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन मीनिंग. मीनिंग्स की बेस पे जो वर्ब्स की काइंड्स हैं वो है जी डायनामिक वर्ब्स. डायनामिक वर्ब्स मीन के दीज वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के थ्रू जो परफॉर्म हुआ हुआ एक्शन है उसके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसने ये काम किया. ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. नंबर टू है स्टैटिक वर्ब्स. स्टैटिक वर्ब्स, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन विच नॉर्मली डस नॉट हैव अ बिगनिंग एंड एन एंड. ये ऐसी स्टेट या कंडीशन के बारे में हमें बताते हैं जिसकी कोई भी हमें शुरुआत या एंडिंग का नहीं पता होता. अनलाइक एन एक्शन विच बिगन्स एट अ टाइम एंड एंड्स एट अ टाइम. मतलब कि एक एक्शन जो कि एक एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होता है और उसकी एंडिंग का भी हमें पता होता है, उसकी तरह ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं इसमें उन एक्शन उसमें जो स्टेट डिस्क्राइब की जाती है या कंडीशन उसकी हमें शुरुआत या एंडिंग का पता नहीं होता. फॉर एग्जांपल इसमें आना चाहिए आई नो डैट यू लाइक पिज़्ज़ा. इसमें देखिए नो वो बता रहा है तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन ये नहीं पता कि उसे कब से पता है और उसे कब तक पता रहेगा इस बात. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? हमने आज के टॉपिक में काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन मीनिंग. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न बोथ दीज टाइप्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन मीनिंग. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.